शिव कुमार वर्मा ट्रेडर चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चाहें तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। चैनल का 5/5 रूल आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के काम आएगा। अगर पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं तो कम से कम 5 अलग अलग पेनी स्टॉक में निवेश कीजिएगा और एक स्टॉक में मैक्सिमम 5% तक का ही कैपिटल हम निवेश करने की रिकमेंडेशन करते हैं। अगर हमारे पेड मेंबर बनना है तो 299 का यूट्यूब पर पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, आपको सारी अपनी ट्रेड्स शेयर करेंगे वहां पर। चलिए चलकर बात करते हैं, चेयरमैन का आया है बहुत बड़ा बयान। यहां पर वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम जी ने कहा है, वोडाफोन आइडिया अब 4G और 5G का बड़े लेवल पर एक्सपेंशन करेगी, उसके लिए फंडिंग का और गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन चल रहा है। अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट टेलीकॉम थोड़ा सा एडजस्ट करें तो ये बहुत बड़े लेवल पर रिमोट एरियाज में काफी बड़े लेवल का काम कर सकते हैं। आइए जरा चलकर खबर का पूरा विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, कल ओवर द वीकेंड हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5G का लॉन्च किया और हिंदुस्तान में बैठे हुए उन्होंने काफी बड़े लेवल के एक्टिविटी दिखाई जो 5G पर अब पॉसिबल है। इंटरनेट फॉर ऑल उनका कहना है और डिजिटल इंडिया के लिए एक राइट स्टेप है, इन द राइट डायरेक्शन। देखिए, हिंदुस्तान में बैठकर उन्होंने यूरोप में एक गाड़ी चलाई है 5G टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो यह बहुत अच्छी प्रस्तुतिकरण है उनकी तरफ से जो यहां पर मार्केट को एक्साइट कर रहा है फॉर द अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल ऑन 5G। और चेयरमैन जो है कुमार मंगलम जी, उनके हिसाब से कहना है कि 5G विल बी रोल आउट वेरी सून फॉर वोडाफोन आइडिया और इनके पास 240 मिलियन के सिटीजन है जो कनेक्टेड अक्रॉस नेटवर्क, 50% से ज्यादा इनके रूरल इंडिया में है और उनका नेटवर्क कंसिस्टेंटली अपग्रेड करेगा कैपेबिलिटी स्मूद एंड स्विफ्ट माइग्रेशन टू 5G सर्विसेज। रूरल इंडिया का उनका सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा। वोडाफोन आइडिया इज बेस्ट प्लेस्ड इन दोज एरियाज वेयर नेटवर्क इज स्टिल बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर फोन कॉल नॉट फॉर इंटरनेट। तो यहां पर अगर ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे रीजनेबल लेवल पर तो ये इनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी और वी आर बेटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी फॉर वोडाफोन आइडिया। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारे पास यहां पर ₹6.17 के भाव एवरेज पर वोडाफोन आइडिया की काफी बड़ी क्वांटिटी होल्ड पर की हुई है, हमने शुरुआत से इसको अपने पास रखा हुआ है। रिमोट विलेज का जब एक्सपेंशन होगा, जब डिजिटल इंडिया बनेगा, तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। इनके हिसाब से यहां पर एक्सपेंडिंग डिजिटल रूरल इंडिया इंटरनेट बेस कैन प्रोपेल इंडिया टू अ डिजिटल बिलियन यूजर्स। वोडाफोन आइडिया सीईओ के मुताबिक, वी हैव अबाउट 1.15 बिलियन मोबाइल पीपल कस्टमर और जिसमें से यूजिंग मोबाइल फोन इन द कंट्री 68% आर इंटरनेट यूजर्स, सो देर इज अज अपॉर्चुनिटी ऑफ 32% पीपल स्टार्ट टू यूज द इंटरनेट। और यहां पर इट इज अबाउट 43 करोड़ इंटरनेट है और 35 करोड़ इन द रूरल एरिया, सो देर इज अ लार्ज प्रोपोर्शनल अपॉर्चुनिटी फॉर स्मार्टफोन। और इन्होंने 5G कंपनीज के साथ, वन प्लस के साथ काफी बड़े लेवल की डील की है जिसमें ये अपने प्रीपेड एंड सॉरी पोस्टपेड कस्टमर्स के साथ में ये ऑफर कर रहे हैं। इनके हिसाब से यहां पर जो 450 बिलियन का टारगेट रखा है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, इट इज वेरी अचीवेबल, इजीली अचीवेबल बाय 2030 एंड इट कैन बी डन इन अ फेज्ड स्टैगर्ड मैनर। देखिए, यहां पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चैलेंजिंग प्रस्तुत कर रही है सारी की सारी कंपनीज के लिए और यहां पर जब तक आप इनोवेशन नहीं करेंगे तब तक आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करा पाएंगे और इसी के चलते हुए इन्होंने 5G के साथ इनोवेशन शुरू कर दिया है। पेंडिंग ड्यू का एक चैलेंज है, 9200 करोड़ रुपए पेंडिंग ड्यू है इनके पास में, जो कि दो अलग अलग कंपनी का है, ATC अमेरिकन टावर कंपनी 2400 करोड़ और साथ साथ में इन्होंने इंडस टावर के पास 6800 करोड़ का लोन यहां पर इस तरह से रखा है। तो इनके लिए दोनों का पेमेंट ड्यू है और ये पेमेंट के इजियर टर्म को डिस्कशन कर रहा है और हमारे हिसाब से सॉफ्ट टर्म पेमेंट एग्रीमेंट बहुत जल्द हो जाएगा। दोनों कंपनियों को फायदा है अगर एग्रीमेंट आ जाता है, रादर देन फाइटिंग दे शुड वर्क टुगेदर टू रिजॉल्व द करंट सिचुएशन। फंड्स लास्ट 1.5 ईयर से स्ट्रगल कर रहे हैं और बैंक से जो इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसमें यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस बैंक, IDFC एंड यस बैंक, उन्होंने ज्यादातर ने
इसको होल्ड करने की अभी पोजीशन दी, उन्होंने कहा है पहले प्रमोटर को इसमें पैसा लगाने दीजिए, तब उसके बाद हम कंपनी में पैसा लगाएंगे। इट इज नॉट वेरी इजी टू फाइंड द फंड्स, स्पेशली अगर आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। तो बैंक ने कह दिया है कि हम यहां पर दे सकते हैं लोन, पर पहले प्रमोटर को कुछ हिस्सा इसमें अपना एडिशनल लगाना पड़ेगा। एफआईआई का डिस्कशन चल रहा है पर वो अभी तक मेटेरियलाइज नहीं हो पाया है, क्योंकि एफआईआई को चाहिए यहां पर गारंटी, जो वोडाफोन आइडिया नहीं दे पा रहा है। और गवर्नमेंट की तरफ से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट यहां पर सपोर्ट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ ईजिंग ऑफ सम ऑफ द पेमेंट्स। यहां पर वोडाफोन आइडिया के सीईओ ने अक्षय मुंद्रा जी ने गवर्नमेंट को कॉल किया है और उन्होंने कहा है जो हेफ्टी लीव प्लेग्स हैं उनको थोड़ा कम किया जाए। दिस विल एनेबल ऑपरेटिंग कैश बूस्टर की तरह से इन्वेस्ट कैपिटल इन 5G नेटवर्क्स आल्सो। तो अगर गवर्नमेंट करती है तो 58% ओवरऑल इंडस्ट्री रेवेन्यू यहां पर गवर्नमेंट के स्पेक्ट्रम के लिए जाता है, जो अभी थोड़ा सा चैलेंज प्रस्तुत कर सकता है आने वाले समय के लिए। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड डेफिनेटली सपोर्ट, गवर्नमेंट नहीं चाहती कोई भी कंपनी बंद होगी यहाँ पर, स्पेशली टेलीकॉम सेक्टर में। और ये एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी भी, एक्सटर्नल लोगों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। शेयर 10 रुपए के नीचे मिल रहा है, जो कि उसकी फेस वैल्यू है करंटली। हमारे हिसाब से आइडिया कुड बी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ वंस द फंडिंग एट लोअर इक्विटी रेट कंपेयर टू अदर्स यहाँ पर मिल जाए इनको, तो ये 10 रुपए स्टेबिलिटी होगा, तब फेस वैल्यू के ऊपर इसको खरीदने में बहुत ही फायदा रहेगा लोगों को जो अभी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। लोन इनको अर्ली पेमेंट किया था ताकि लोन मिल जाए इनको डिमांड के लिए 5G के लिए। कंपटीशन यहाँ पर रेडी है, बट इनके पास में फंड्स ना होने की वजह से अभी तक ये जो एडवांस स्टॉक चल रही थी ये अभी करंटली होल्ड पर चली गई है। ओवरऑल वी आर हैप्पी, द बिगेस्ट प्रॉब्लम कस्टमर लीविंग, उसके लिए इनको डेफिनेटली अपना, गवर्नमेंट नहीं चाहती पैसा यहां से जाए बाहर और कंपनीज बंद हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्लियर कहा है कि हम यहां पर सपोर्ट करेंगे। और फंडिंग स्टेटमेंट जो आया है सीईओ का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले समय के लिए। एक अगर आपको बताएं टेक्निकल व्यू से, इस स्टॉक में काफी बढ़िया पोजीशन बन रही है सारे टेक्निकल पैरामीटर पर, अभी आप अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हैं। 8.85 रुपए के आसपास आया है, 2-3 दिन पहले इसने एक बार जंप किया था 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम फिर से बोल रहे हैं 50 डे मूविंग एवरेज के काफी नीचे पोजीशन पर है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस रेंज में 8.50 रुपए से लेकर करंट मार्केट 9 रुपए तक आप बहुत अच्छी क्वांटिटीज में खरीद सकते हैं। और ये जब चलना शुरू हुआ तो सबसे पहला इसका टारगेट 6 से 9 महीने का शॉर्ट टर्म का 20 रुपए का है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो इसका टारगेट 50 रुपए से कम नहीं है। इसी वजह से हमने इसके शेयर 6.17 रुपए के एवरेज में रखे हुए अपने पास में अभी भी। आज परफेक्ट डॉजी कैंडल बनी है, कोई भी बॉडी नहीं है, और वॉल्यूम देखेंगे तो करीब 185 मिलियन शेयर हैंड एक्सचेंज हुए हैं आज यहां पर। साथ साथ में एलिगेटर इंडिकेटर के बेसिस पर आज भी इसने सेल सिग्नल मेंटेन किया हुआ है। सुपर ट्रेंड का 10 रुपए का रेजिस्टेंस रहेगा। आरएसआई 44 जो कि एक स्लाइटली नेगेटिव जोन में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। वोटेक्स इंडिकेटर ने इसको अभी भी सेल सिग्नल मेंटेन किया हुआ है, हालांकि ग्रीन कैंडल ऊपर चलने शुरू हो गई है इसकी यहां पर। अच्छा मोमेंटम जैसा हमने बताया, बुलिंजर बैंड भी बता रहा है कि नीचे के लेवल पर काफी अच्छी सपोर्ट है यहां से, और पहला टारगेट 9.5 रुपए फिर 10 रुपए तक जाने की कोशिश कर सकता है वोडाफोन आइडिया जैसे ही कोई भी पॉजिटिव खबर आती है इसमें। मैगडी ने अभी भी इसको सेल सिग्नल मेंटेन किया हुआ है, तो ये करंटली टेक्निकली बहुत अच्छी पोजिशन पर है जहां पर वैल्यू बाय हो सकती है इसमें। अगर हमारी ट्रेड कॉपी करनी है तो जरूर ज्वाइन कीजिए पेड मेंबरशिप, ट्रेनिंग करनी है मेल ड्रॉप करेंगे।